हमारी अगली सिंगर अनन्या आज दो लैंडमार्क फिल्मों के गाने अटेम्प्ट करने वाली है। लैंडमार्क इसलिए क्योंकि एक गाना आइकॉनिक जोड़ी राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल जी की पहली फिल्म का है और दूसरा है राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल जी की आखिरी फिल्म का गाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग देश की बेटी अनन्या पाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते राज सर। नमस्कार। मैं आज स्मिता मैम की गाना गाने वाली हूँ। वो इतनी ब्यूटीफुल एक्टर थी, कहा जाता है कि वो बिना मेकअप के शूटिंग करती थी। उन्होंने दो नेशनल अवार्ड भी जीता है। मुझे उनके गाने गाने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ भी गलती हो जाए प्लीज़ माफ कर देना। नहीं नहीं नहीं, तुम कतई गलती नहीं करोगी। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ही स्मिता के लिए श्रद्धा है और जो तुमने उनके बारे में जाना है वो सच है। वो सिर्फ एक खूबसूरत कलाकार ही नहीं थी, एक खूबसूरत इंसान भी थी। ना ये सच है कि वो बहुत कम मेकअप इस्तेमाल करती थी और मेकअप जब ज़्यादा हो जाता था वो छुड़ जाती थी, ये भी सच है। तो इसलिए वो जाके कभी कभी मेकअप को गीले कपड़े से साफ कर दिया करती थी। तो कैमरामैन कभी कभी कहते थे ये क्या हुआ, पिछले शॉट में तो ऐसा नहीं था, बोले तो पिछला शॉट दोबारा ले लो। वाओ। तो उसकी एक एक बात में दम था। ये हम तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं और यकीन मानो हम तुम्हें यहाँ सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं मेरा पूरा परिवार तुम्हें देखता है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद अपने आप देख लो और सुन लो। अरे वाह। हेलो अनन्या जी, मुझे अभी पता चला है कि आप मेरी माँ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके गाने गाकर परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनन्या जी एंड इंडियन आइडल। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर मेरी माँ होती तो वो आपके साथ उस स्टेज पे गाती भी और डांस भी करती। ऑल माय लव एंड लक टू यू। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ये गाना आखिरी था
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कभी कभी जिंदगी में कुछ गीत सुनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गीतों का मतलब कुछ और हो जाता है। मेरे पास बच्चे तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि तुमने ये स्मिता की पहली और आखिरी फिल्म गाई है। मेरे पास में वो वक्त है जो मैंने उसके साथ में गुजारा है, और मैं वो वक्त की सुइयां तुम्हें दे रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ पर ये बहुत बड़ी होगी, लेकिन हमेशा तुम उसी तरह की लड़ाई लड़ती रहो, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी दे रहा हूं। अब स्मिता का नाम लिया है तो स्मिता कभी कभी गिफ्ट के साथ में कुछ लिख के भी देती थी। राज सर, ये कितनी बड़ी बात है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है उसको मिला है। रियली आई मीन एवरी वन हु वॉज इन हर टाइम और नॉट वॉज इन लव विद स्मिता पाटिल जी फॉर द पर्सन शी वॉज। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो जन्म जन्म का साथ जो ये गाना है, उनके ओरिजिनल कंपोजर आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। जुगल किशोर जी, कहाँ? जुगल किशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, इन्हें आवाज पाव गाना दे करके तबीयत खुश है। थैंक यू, मिलते हैं भी हम। अनन्या बहुत ही सुरीली सिंगर है। हाँ जी। और मुझे उस वक्त गाना सुनते समय ऐसा फील हो रहा था जैसे लता भाई खुद गा रही हैं। अरे वाह वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए अनन्या। बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया 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 जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। आपने स्मिता जी की यादें ऐसी ताज़ा कर दी हम सबके यू नो दिलों में। इसके लिए एक बहुत स्पेशल ये परफॉर्मेंस हिट से ज़्यादा हिट है। सो प्रेजेंटिंग, जिनकी आवाज कोहिनूर से भी ज्यादा रेयर है, आद्या मिश्रा। जीऊंगी
फिर से उस रिकॉर्डिंग में ले गए जहाँ पर रेशमा जी थी और ये गाना महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। क्या बात है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसके लिए। मैं एक दिन राज कपूर साहब की पार्टी में गया और उस पार्टी में रेशमा जी आई हुई थी, फोक सॉन्ग सुना रही थी वहाँ पर, और मैं इतना मोहित हुआ कि दूसरे दिन मैं लक्ष्मीकांत जी के पास गया और कहा कि लक्ष्मी जी एक गाना हमें रेशमा जी का भी रखना है। वो एक होटल में ठहरी हुई थी। आप सच्ची मानना, मैं आज राज की बात बताता हूँ कि मुझे 7 दिन तक लगातार उस होटल में जाना पड़ा उनको कन्विंस करने के लिए कि आप मेरे लिए गाना गाइए। और उन्होंने गाया फर्स्ट टेक में ओके गो गाना। ये गाना इतना लेजेंडरी गाना है और रेशमा जी की आवाज में जो वो दर्द और एक आजादी और वो जो कश्मकश और सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ में आती है और वो आद्या ले आ रही है इस मंच पर अपनी इतनी छोटी सी उम्र में। ये लड़की है जो आगे जाके सच में बहुत हमको प्राउड करेगी। शी विल बी रिकॉर्डिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, शी विल बी मेकिंग हिस्ट्री इन हर ओन वे। थैंक यू सो मच। ये परफॉर्मेंस जो है ये लास्ट जो परफॉर्मेंस था मेरा, तो वो मेरा फर्स्ट हिट लेट था एंड मैंने उसके जो ये गोल्डन कॉन्फेटियर्स का पीस अपने पास बचा के रखा था और मैंने मॉम को दिया था अपने। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उस परफॉर्मेंस के बाद आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम अ डिफरेंट आद्या बिकॉज दैट हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। आज हम सब यहाँ 25 साल परदेश के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने शाहरुख सर को क्यों कास्ट किया? शाहरुख जो थे उस वक्त, उनकी दिल वाले दुल्हनिया बहुत बड़ी हिट हो गई थी और रोमांटिक इमेज बड़ी टॉप थी, और आप जानते हैं कि शाहरुख इज द किंग ऑफ रोमांस। शाहरुख को मैंने पिक्चर में तो लिया है, लेकिन मेरी कहानी ये कहती है कि ये अपने कजिन के लिए लड़की देखने जा रहा है, अपने लिए नहीं। तो इसके फेस पे रोमांस नहीं आना चाहिए आखिर तक। तो मैंने शाहरुख से कहा कि शाहरुख, तुम्हारे एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि तुमको प्यार हो गया है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ऐसा है दो दिल मिल
वो आदमी को मोह लेता है। मगर चुपके चुपके तू शादी तो कर रही है, लेके तो मैं ही जाऊंगा, ऐसा ऐसा उनके हर पिक्चर में होता था। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर बोथ ऑफ अस एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर कि हर बार मुझे याद दिलाना पड़ता था नो रोमांस प्लीज। पर मैं कहूँगा कि शाहरुख ने बहुत अच्छा निभाया है, आप तो देखिए पिक्चर में। मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।